मैं भी सोच रही थी आज फोन करके तुझे बुलाऊं, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। मेरी बात का बुरा ना मनाना, तू शायद भूल रहा है। ये वही अजरा है जिसकी मोहब्बत में तू जोगी बना फिरता था। उसे अपनी जोगन बना के तू इस तरह रूप बदलेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब आप अच्छी तरह जानती हैं मैं यहाँ क्यों नहीं रहता। अपने ही बारात वलीमे करते रहोगे या कुछ बहन के ब्याह की भी फिक्र है? तो होगी ना उसकी शादी, इंशाल्लाह अच्छे से होगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आई क्यों ना करूं फिक्र? ना जेवर बना है, ना कपड़े, ना मशीनरी, ना उसके ऊपर कोई फर्नीचर। और तुम लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। शादी की तारीख जब से तय हुई, मेहमानों की तरह आए निकले, आज मुंह दिखाया अपना। अम्मा अभी परसों तारीख तय हुई उसकी, परसों। हाँ तो वक्त ही कितना है बेटा हमारे पास है? अभी सारी तैयारियां करनी है, बहुत वक्त लगता है जहेज जोड़ने में। अच्छा वो मैं क्या कह रहा था कि अभी मैं बस 2 लाख ही दे सकता हूँ, बाकी शाहनवाज भाई से कहें कुछ वो भी दे दे। आए शामी, आजकल के जमाने में 2 लाख में होता क्या है? तो फिर आपको भी तो माँ होने के नाते बेटी के लिए कुछ जोड़ना चाहिए था ना। ये बोली वो हर्राफा तेरे अंदर, ये तू नहीं बोल रहा। कितना अजनबी बन के बोल रहा है तू? हैं? बेटी की माँ जहेज जोड़े और भाई कुछ ना करे। ऐ दो दो ब्याह रचा के उस राजन मोना के दम भरते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाय, इस दिन के लिए वजीफे दुआएं की थी तुम लोगों की तरक्कियों के लिए मैंने। रख अपने पैसे, नहीं चाहिए। बेटी की माँ हूं ना, जहेज जोड़ के दिखाऊंगी तुझे अपनी बेटी का। तो बस बता रहा था आपको, आपने तो बात दिल पे ही ले ली। अभी ये रख ले, मैं फिर और का रख ले बंदोबस्त। अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूं ना, ये अभी ये रख ले, ये चेक तो पकड़। है मेरा, वो कर लेगा बंदोबस्त बहन के ब्याह का। इंशाल्लाह वो भी कर देगा और मैं भी कर दूंगा। अभी आप प्लीज, मेरी प्यारी अम्मी, कसम से कह रहा हूं और कर दूंगा। अभी तो ये चेक पकड़ लो प्लीज। कैसे हो शामिर? ठीक। शामिर, हजरा तुमसे कुछ कहना चाह रही है। मैं चाय बना के ले आऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं। साहब यही रहेंगे ना? नहीं अजरा, मैं घर जाऊंगा अपने। ये भी तो आपका ही घर है। हाँ है, लेकिन वहां पर मोना के लिए है, वो बीमार भी। बीमार शमीर, पर यहाँ ये सब लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मोना के पास मेरे अलावा कोई और नहीं होता, मेरा वहां होना जरूरी है। अगर दूसरी शादी कर ली है तो कम से कम इंसाफ तो करो। बस अभी बारी बारी ना सब शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि मैं इस घर में नहीं आता भाई। जब देखो तो चप्पी आओ तो हिसाब किताब शुरू, ये नहीं करते, वो नहीं करते, एहसास नहीं करते। चला ही जाऊं तो बेहतर है, जा रहा हूं मैं। शमीर आप अभी तो आए, कुछ देर तो रुक जाए। हट जाओ मेरे, प्लीज मुझे जाना है, प्लीज हटो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस पर रहम नहीं आता?
आता है भाई, पर अफसोस कि अब सिर्फ रहम ही आता है। मियां बीवी का रिश्ता रहम के सहारे नहीं चलता, मोहब्बत के सहारे चलता है। तुम्हारी मोहब्बत अजरा अब शायद मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। कैसे नहीं पहुंचती शामिर? क्योंकि अजरा जब कोई चीज बिना मांगे हद से ज्यादा मिलने लगे तो बहुत ही सस्ती हो जाती है, और सस्ती चीजें अक्सर इंसान को पसंद नहीं आती। फिर मिलेंगे। हेलो पप्पू, पानी लाओ। सुनो, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो फिर डॉक्टर पे ले चलो। तुम बस मेरे पास रुको, यहां उसके पास नहीं चले जाया करो आंसू पोंछने के लिए। अकेले फ्लैट में ना दिल घबराता रहता है मेरा। मोना, तुम अच्छी तरह जानती हो अब सब कुछ कैसे चल रहा है, और अब तो मैं अम्मा से मिलकर सीधा यहां आ जाता हूं, उससे मिलता तक नहीं। हाल हो ना, वरना सबर नहीं आएगा उसे।